विवेक ओबरॉय ने हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर जो मीम शेयर किया था उसके बाद अब उनकी डबल बेइज्जती हो चुकी है। पहले जहां सलमान ने विवेक की इस बात को रॉयली इग्नोर कर दिया, तो वहीं अब फाइनली बच्चन परिवार से अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर अपने एक ट्वीट के जरिए विवेक की डबल बेइज्जती कर डाली। दरअसल अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किया, सबसे पहले आप वो देखिए। सोशल मीडिया पर सोच समझकर जिक्र करो ए दोस्त, कहीं सामाजिक एतबार से गैर मुनासिब ना हो। अब अपने इस ट्वीट में अमिताभ बच्चन ने ना विवेक ओबरॉय का नाम लिया है, ना उनके इस मीम का जिक्र किया और ना ही अपने ट्वीट में विवेक को टैग किया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बिग बी के इस ट्वीट से यही कयास लगा रहे हैं कि इशारा तो विवेक ओबरॉय की ही तरफ था। आपको बता दें कि बच्चन परिवार और अमिताभ बच्चन ज्यादातर कॉन्ट्रोवर्सीज पर खुलकर कुछ कमेंट नहीं करते, लेकिन अब जब विवेक ओबरॉय ने सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या की डिग्निटी को हार्म करने की कोशिश की, तो लोग बच्चन परिवार से यही अपील करने लगे कि बच्चन बहू की गरिमा और सम्मान को सपोर्ट करने और स्टैंड लेने के लिए अभिषेक या बच्चन परिवार को अपनी चुप्पी जरूर तोड़नी चाहिए। लेकिन अब जब फाइनली बिग बी ने इस कॉन्ट्रोवर्सी पर बड़ी ही शालीनता और संजीदगी से रिएक्ट किया है, उसने सारी कॉन्ट्रोवर्सी पर अब लगाम लगा दी है। अब देखना यह है कि क्या अभिषेक या फिर ऐश्वर्या राय की तरफ से इस बारे में कोई जवाब आता है। वैसे अभी फिलहाल ऐश्वर्या काम्स में बिजी है, तो हो सकता है कि इंडिया लौटने के बाद ऐश्वर्या इस कॉन्ट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन दे या फिर चुप रहना ही ठीक समझे, जैसा उनका नेचर भी है। वेल, अब जब विवेक को नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने लीगल नोटिस भेज दिया है, सलमान ने भी इस मुद्दे को इग्नोर कर दिया है और तो और बिग बी ने विवेक को नसीहत दे दी है, तो वहीं विवेक अपने इस मीम को डिलीट करके माफी भी मांग चुके हैं, तो हो सकता है कि अब ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी फाइनली थम जाए। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय।